तो हमारे पास अब रिकर्शन का प्रोग्राम आ गया, ठीक है। यहाँ लिखा राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर, ठीक है। तो रिकर्शन मतलब होता है कि एक फंक्शन को बार बार रिपीट करना, ठीक है। रिपीटेशन मतलब फंक्शन का एक तरीके के लूपिंग का काफ़ी अच्छा मतलब अल्टरनेटिव है, लेकिन ये चीज़ हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं काफ़ी अच्छी जगह पर, जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर से जगह पर यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो रिकर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए आपको। और देखते हैं एक प्रोग्राम लगाते हैं इसका, और पहले मैं आपको समझाता हूँ कैसे काम करेगा, ठीक है। फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम, तो हमें फैक्टोरियल बना लिखना है, वो भी किसके हेल्प से, रिकर्शन के हेल्प से। तो फैक्टोरियल क्या होता है पहले आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फैक्टोरियल से मैंने बोला कि 5 का फैक्टोरियल निकालो, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ये तो 5 का फैक्टोरियल होता है, 5 × 4 × 3 × 1, मतलब कि जहाँ से फैक्टोरियल दे रखा है वहाँ से शुरू करके 1 तक ही एंड कर दो, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल होता है। जैसे किसने बोला 4 का फैक्टोरियल निकालो, तो 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, 4 × 3 × 2 × 1, ये 4 का फैक्टोरियल है, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल होता है। अब हम 5 पे वर्क करते हैं और समझते हैं कि हम कैसे निकालेंगे रिकर्शन के जरिए फैक्टोरियल, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दीजिए, तो अगर हम किसी चीज़ का फैक्टोरियल निकाल रहे होते हैं, जैसे फैक्टोरियल एन का, ठीक है। तो हम फैक्टोरियल जब एन का निकाल रहे हैं, तो उसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं एन मल्टीप्लाई बाई एन माइनस वन और इंटू एन माइनस टू। देखिए ये तो कर रहे हैं, 5 था, 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 − 1 से, फिर 5 − 2 से, और कहाँ तक मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब तक कि ये 1 नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सिंपल चीज़ है, यही तो कर रहे हैं। और अगर और डिटेल में देखें तो क्या होता है, जैसे कि हम किसी चीज़ का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, एन का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, एन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल तो होगा। ये बात कैसे मैं कह रहा हूँ, देखिए अगर हम 5 का फैक्टोरियल निकालते हैं, तो 5 × 4 का ही फैक्टोरियल तो होता है, 5 का फैक्टोरियल, 4 मतलब 4 × 3 × 2 × 1, या फिर हम ये कह सकते हैं 5 × 4 × 3 का फैक्टोरियल, मतलब 3 × 2 × 1, है ना। तो ये चीज़ें तो सही है, ये सारे टर्म्स सही है। तो देखिए यहाँ पे जब मैंने ये सारे टर्म्स बताए ना आपको, तो यहाँ पे आपको देखा होगा फंक्शन जो है ना बार बार कॉल हो रहा है। देखिए एन है, एन माइनस वन कर सकते हैं, एन माइनस टू कर सकते हैं, सबका फैक्टोरियल निकाल सकते हैं ना हम लोग इसी तरीके से, बस 1 तक के, ताकि हमारा फैक्टोरियल निकल जाए। तो यही फंक्शन जो है ना, ये अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, इसके अंदर जो पैरामीटर है उसमें -1 कर रहे हैं हम लोग, और उससे क्या हो, इसकी वैल्यू चेंज होकर हमें नया नया मल्टीप्लीकेशन दे रहा है, ठीक है। तो करके देखते हैं इसको, तो मैं यहाँ पे नॉर्मल से फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन जिसका नाम है फैक्टोरियल। इसके अंदर हम कोई वैल्यू पास करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग फैक्टोरियल 5, ठीक है, ऐसा कुछ लिख देंगे। तो हमने 5 जो है ना, ये आर्गुमेंट में और ये पैरामीटर में पास कर दिया, ठीक है, 5। फिलहाल अगर हम रिटर्न करते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ रिटर्न करते हैं एन मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल, ठीक है, फंक्शन में बस हम -1 कर देते हैं, फंक्शन में क्या कर देते हैं, एन -1 कर देते हैं। तो ये मैंने बोला था आपसे बार बार 4 3 2 1 ना, बार बार चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ, देखिए क्या लिखा है, मैक्सिमम कॉल स्टैक एक्सीडेड। क्यों ऐसा क्यों लिख के आ रहा है, क्योंकि देखिए मैंने एन -1 किया और 5 डाला, 5 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर -1 ये होने लगा ना, लेकिन मेरे को 1 पे रोकना है। मैंने क्या कहा था, जैसे 1 हो जाए मेरे को रोकना है। तो मैं क्या करता हूँ कि इफ़, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो एट द एंड आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इफ़ एन इज इक्वल टू 1 हो जाए जैसे ही, तो रिटर्न कर दो 1, मैं ऐसे बोल देता हूँ, अदरवाइज एल्स में पार्ट चलाओ, ठीक है। तो मैं इस रिकर्शन को रोकना चाहता हूँ जैसे ही हमारे पास एन जो है वो 1 हो जाए, और एन क्या है, एन हमारे पास वैल्यू है यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो फिलहाल एन जो है हमारे पास, देखिए 120 आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है, फैक्टोरियल जो भी है। फिलहाल जो एन है वो हमने 5 पास किया था, एन इज इक्वल इक्वल टू 1 है क्या, नहीं है, तो ये एल्स वाला पार्ट चला। एल्स वाले पार्ट ने क्या किया, एफ एन माइनस एन मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल एन -1 किया। इसका मतलब है कि क्या किया उसने, 5 × फैक्टोरियल ऑफ 5 किया, ठीक है, और इससे -1 कर दिया, ठीक है, और स्पेलिंग मैंने स्पेलिंग लिखने से, ठीक है। तो इसने ये तो किया, 5 − 1 किया। अब एन -1 से क्या हो गया, फैक्टोरियल एन -1 मतलब 4 हो चुका है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस जगह पे अब क्या हो चुका है, 4 हो चुका है, ठीक है, इस जगह पे अब 4 हो चुका है इस वाली लाइन के बाद। अब यहाँ चेक होगा कि एन इज इक्वल टू क्या 1 है, अभी भी नहीं है, तो इस वजह से एल्स वाला पार्ट चलेगा। और क्या होगा, अब 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, ये 1 है, एन 4 हो गया, अब फैक्टोरियल 4 − 1, ठीक है, यही तो करना पड़ेगा। और शिफ्ट डाउन करते हैं और यही चीज़ चलती रहेगी, ठीक है, तो और शिफ्ट डाउन कर देते हैं, तो 3 पे भी यही चीज़ चलेगी, 2 पे भी यही चीज़ चलेगी, अब देखिए 2 पे चलने के बाद क्या हो गया, 2 पे चलने के बाद यहाँ पे 2 − 1 हो गया, ठीक है, 2 × 2 − 1, देखिए 2 × फैक्टोरियल 2 − 1, यानी कि 1 हो गया। अब यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है, एन की वैल्यू 1 हो गई, तो एन इज इक्वल इक्वल टू 1 जैसे हुआ, तो रिटर्न कर गया 1। तो यहाँ पे
हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे सिर्फ रिटर्न वन होगा, ठीक है। अब क्या होता है कि ये सब चीज़ें होती हैं स्टैक में, तो स्टैक में क्या होता है फिर बैक ट्रैकिंग होती है। जैसे ही काम रिटर्न हो गया वन, हमारा फंक्शन बार बार जो लूप में चल रहा था, बार बार जो चल रहा था, रिपीटेशन हो रहा था, जो रिकर्शन क्रिएट हो गया था, उस चीज़ को हमने क्या किया, रोक दिया इस वाले स्टेटमेंट से, ठीक है। जहाँ तक मेरे को चलाना था वहाँ तक चला दिया। अब बैक ट्रैकिंग होगी, तो वन से अब टू मल्टीप्लाई होगा, टू से थ्री मल्टीप्लाई होगा, फिर थ्री और टू से क्या होगा, फोर मल्टीप्लाई होगा, फिर टू थ्री फोर से फाइव मल्टीप्लाई होगा, और इस तरीके से 120 हमारे स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। सिंपल चीज़ है। तो बैक ट्रैकिंग होती है वापस रिपीटेशन में, कि देखा जाता है कि क्या क्या चीज़ें मल्टीप्लाई हुई थी पिछले टाइम पे, ठीक है, और वो चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाएंगी एक साथ। ये था हमारा फैक्टोरियल, बहुत ईजी सा है।